यूं बोलिया रे हो गुरु जी ऐसा क्या गावणिया ही गादे हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावणिया ही गादे हो गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावणिया ही गादे श्रोताओं से माफी चाहूंगा, आवाज खराब है, स्केल डाउन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली। नंबर एक के अंदर लिखा क्या लिखा वो बन गया बना बे माता की मात बता सास बता दे गोरा की शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओ राखी शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओ राखी वो अष्टभुजा किसकी पुत्री जन करी सहता चोरा की उस साधु का नाम बता जने करी सवारी मोरा की उस साधु का नाम बता जने करी सवारी मोरा की आए रे मेरे मन का बारा मेडिका जो रागनी आपके बीच में बच्चे सुना रहे हैं गुरु चेले की लड़ाई होगी। एक दिन पंडित लक्ष्मीचंद का चेला मांगेराम थोड़ा अड़ियल दिमाग का था, घर परिवार से ठीक ठाक था, और लक्ष्मीचंद ने मांगेराम चेला भी न्यू बनाया लालच में कि पहले जो गाने बजाने वाले थे आजकल तो सब महंगी महंगी गाड़ी रखे है, उस टाइम गाने बजाने वाले बेचारे दो दो एक एक रुपया पे पूरा पूरा महीना काट देख रहे थे। गाड़ी मेटाडोर थी मांगेराम कने, सारी पार्टी दाब माने थी मांगेराम की, सिखा दिया लक्ष्मीचंद ने अपना आशीर्वाद देके, मांगेराम ने अपनी अलग पार्टी बना ली और जो पहला सांग करा मांगेराम ने अपने गुरु लक्ष्मीचंद को बुलाया कि गुरुजी आज मेरा पहला सांग है, आशीर्वाद देने आना। मोड़ा गाल दिया स्टेज पे और लक्ष्मीचंद का सबसे सुपर हिट एक सांग होया करता था साई लक्कड़हारा। मांगेराम ने गाना शुरू करा, बीच में कोई गलती कर दी, लक्ष्मीचंद खड़ा होकर एकदम तक गाड़ देख ले रहा है मांगेराम गलती कर गया, सही कर इसको। हाथ जोड़ के बोला गुरुजी स्टेज पर खड़ा हूं, पब्लिक सुन रही है, घरा जाके सिखा लियो, यहां मेरी गलती काट के क्यों मेरी बेइज्जती करोगे। फिर शुरू कर दिया, फिर गलती कर दी एक, लक्ष्मीचंद ने फिर धमकाया, ओए गलती कर गया छोरे, बच्चो आ गया। उससे टीम जय बोल दी बोल गाम खेड़े की, अरे बोला गुरु जी आगे सांग करूंगा तो अपना लिख के अपना बना के खुद का बना के सांग, जब करूंगा ना तो गाना ही बंद है आज के बाद। प्रेमियों
एक महीने की मेहनत करी मांगेराम ने, अपनी खुद की रागनी बनाई। और ये बुजुर्ग लोग बता देंगे कि गुरु गुडर चेला चिन्नी हुए है, मांगेराम की रागनी लक्ष्मी चंद 21 है। बुजुर्ग बता दे समझनिया। एक महीने के बाद फिर सांग हुआ, उन्हें फिर अपना गुरु बुलाया कि गुरु जी देख आज मैं अपना बनाया हुआ सांग गाऊंगा। सांग के बीच में लोग बाग न्यू कह लगे भाई गुरु चेले तुम दोनों मिलकर सुनाओ। तो सजनों तब मांगेराम ने खड़ा होकर न्यू बोलिया कि इब्बे तुरंत बनाऊंगा, मां सरस्वती की आशीर्वाद है, और तुरंत इब्बे की इब्बे गुरु जी लक्ष्मी चंद बनाओगा। ये सवाल करे कि गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, अगर कोई सच में गाने वाला हो तो वो गा दे। भे माता की मात बता, सास बता दे गोरा की, अष्टभुजी किसकी पुत्री, जिन्हें करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की, और शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा मोरा की। बहुत गहरी बात है ये जो सवाल करे इस बच्चे ने, समझिए मांगेराम ने करे है, और इसका जवाब लक्ष्मी चंद ने क्यों कर दिया वो मैं ब्रजेश कने दोबारों एक बार जोरदार ताली मारो, सुनिए किस प्रकार से। हाय गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने खोले सभा में गाया, हो गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने खोले सभा में गाया। मेरे प्रश्न थे गुरु महाराज जी के बे माता की मात बता दे, बे माता की मात बता दे, तू सास बता दे गोरा की, अच्छा। उस शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा और आगे। वो अष्टभुजी किसकी पुत्री जने करी सहायता चोरा की, और उस साधु का नाम बता जने करी सवारी मोरा की। ये प्रश्न आपके, हाँ इनका उत्तर मैं दूंगा। दोगे? बिल्कुल दूंगा। कैसे मात गायत्री, ए बे माता की मात गायत्री, अनसुईया सास गोरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करे फिर ओरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करे फिर ओरा की। ए अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री, जिन्हें करी सहायता चोरा की, बालक नाथे से साधु जिने करी सवारी मोरा की, बालक नाथे से साधु जिने करी सवारी मोरा की। हो गुरु ने ज्ञानी से बागी लगाया, मने सभा में गाया, हो गुरु जी मुझे आदेश मिला है कि बस स्टैंड के ऊपर घोड़ों की और बुजुर्गों की दौड़ हो रही है, जो दौड़ में शामिल होना चाहते हैं निवेदन कृपया वहां पर पहुंच जाएं। आइए नंबर 2 के अंदर कैसे लिखा बोला के सजनों, बिना बीज के कभी खेती नहीं आया करती, बिना बीज के कभी पौधा नहीं होया करता, ऐसा भी शख्स था। कौन था क्या बताया नंबर 2 में के?
नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा के मात पिता ना संग के साथी मात पिता ना संग के साथी रे माता न नहीं घड़ा रे मात पिता न संग के साथी रे माता न नहीं घड़ा तेरा जन्म होवत से करी लड़ाई जन्म होवत से करी लड़ाई ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा जय जयकार हुई किस युग में देवलोक में जिक्र छिड़ा जय जयकार हुई किस युग में देवलोक में जिक्र छिड़ा हाय रे कोई बेले धरा में किरला गुरु महाराज जी उस लड़के का नाम बता हाँ। जो ना माता के पेट पड़ा अच्छा। और मात पिता ना संग के साथी बे माता ने नहीं घड़ा जन्म होवते करी लड़ाई ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा अरे जय जयकार हुई किस युग में फिर देव लोक में जी ये प्रश्न आपके हाँ तो इनका दूसरी गली हाँ। उत्तर दूंगा मैं दिए सुन लिए कैसे उस लड़के का नाम गणेश ए उस लड़के का नाम गणेश जो ना माता के पेट पड़ा गौरा माँ ने करी घड़ाई भे माता ने नहीं घड़ा गौरा माँ ने करी घड़ाई भे माता ने नहीं घड़ा ए जन्म होते ही करी लड़ाई सन्मुख ना कोई वीर अड़ा शिवसेना भी हरा दई न्यू देवलोक में जिक्र छिड़ा शिवसेना भी हरा दई न्यू देवलोक में जिक्र छिड़ा हो गुरु ने छह चार का ज्ञान बाप के ब्याह में बनिया बिचोला हे बाप के ब्याह में बना बिचोला बाप के ब्याह में बनिया बिचोला वो लड़का कितने आया कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जी मने आया कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जी मने आया जब अनधन के भंडारे भरे लोगो अनधन के भंडारे भरे जिक्या नहीं भूखा खाया रही जग परले में रही जग परले में कसर कहाँ जब जीवन न चले पाया जग परले में कसर कहाँ जब जीवन न चले पाया आए रे कोई पानी में आ गया
दोहराऊंगा। हाँ जरूर दो। समझ में नहीं आया शायद आपके? बिल्कुल खोल के जवाब दूंगा, टेंशन ना। बाप के ब्याह में बना बिचोला। हाँ सजनों, बाप के ब्याह में बना बिचोला। अच्छा वो लड़का कितने आया। हाँ और कर राक्षस का भेष, देवता कौन से युग जी मनाया। अच्छा जब अन्न धन के भंडार भरे सजनों जी, क्या नहीं भूखा ठाया, रही जग परले में कसर कहा, जब पीवन ने ना जल पाया। अच्छा हाँ काफी कठिन प्रश्न है। आप बिल्कुल, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से उत्तर जरूर दूंगा। कहिए बड़े भाई, बाप के ब्याह में भी समय बिचोला। ए बाप के ब्याह में भी समय बिचोला, देवलोक से चलिया आया, कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मने आया। कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में जी मने आया। उड़े अंधर के भंडार भरे थे, अन्न धन के भंडार भरे थे, छिका नहीं भूखा ठाया, जग परले में जीवे रहा ना, जल्दी मरता फिर तिसाया। जल परले में जीवे रहा ना, जल्दी मरता फिर तिसाया। हो गुरु ने परम का पेड़ सवासन पड़ी जरूरत, पति मोहते न ब्याह करे वाया। कोई सवासन पड़ी जरूरत, पति मोहते न ब्याह करे वाया। इरे उस लड़की का नाम बता। हा? उस लड़की का नाम बता, जन एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा, पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर तरे वाया। पति की सेवा करने लगी, पुत्र का सर तरे आया। आए श्री लखे मी चांद ने समझा। और हुई सवासन पड़ी जरूरत, पति मोहते ना ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता, जने एक पल में पुत्र जाया। अच्छा। और पति की सेवा करने लागी, सजनों पुत्र का सर तरवाया। बहुत कठिन सवाल है, इनके उत्तर तो मेरे गुरुजी आदरणीय श्री। अच्छा वो भी बैठे हैं। हाँ जी अमित गुरुजी दे सकते हैं इनको उत्तर, तो गुरुजी आपको देने पड़ेंगे इन सवालों के। लक्ष्मी चंद के गुरु। सजनों आखिरी कली में कलम तोड़ दी जाती है। ये जो सवाल है आखिरी कली के, बहुत गहराई की बात है। भैया दोबारा दोहरा एक बार। अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। अपनी इच्छा से प्राण त्यागे और उसके बाद में कुछ पल के बाद में लड़की का चोला यानी कि लड़की के रूप में जन्म ले लिया। हुई सवासन पड़ी जरूरत, पति मोहते ना ब्याह करवाया। जब जवान हुई तो बिना मोह के पति से ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बताओ जिन्हें एक पल में पुत्र जाया। ऐसी लड़की हुई सजनों जिसने एक पल, एक क्षण, एक पल में उसने पुत्र को जन्म दे दिया। उस लड़की का नाम बताओ जिन्हें एक पल में पुत्र जाया और पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सर तरवाया। सजनों कथा है एक बहुत बड़ी। एक मिंडकी थी, मिंडकी सप्त ऋषि
एक बहुत बड़े कड़ावे में खीर का प्रसाद बना रहे। मिंडकी अपनी इच्छा तय गरम गरम खीर में कूद पड़ी और खीर के प्रसाद को भी खराब कर दिया, अपनी जान भी गवा दी। सारे ऋषि महात्मा छो में आ गए और सारे गाड़ देने लगे, लेकिन सप्तऋषि कहते कि सुनिए, अरे ऋषियो नुए माड़ा लेकर अंधो हो, आज परीक्षा होगी तुम्हारी, इसको जिंदा करो। सप्तऋषियों ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस मिंडकी को जिंदा कर दिया और सदनों एक लड़की के रूप में जन्म दे दिया। उस लड़की को वे ऋषि महात्मा पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं। सजनों ऋषियों के पास में शिक्षा लेने के लिए लंका का राजा रावण आया करता था। रावण के और उस लड़की के दोनों के नैन में टक्का होगी, प्यार हो गया और वो लड़की गर्भवती हो जाती है। ऋषियों को पता चला तो बहुत धमकाया रावण, और अंत में रावण को उस लड़की को सौंप देते हैं कि इससे शादी कर, इन अपने घर की इज्जत बना। रावण उस लड़की को लेकर चला, उस लड़की का नाम था मंदोदरी। लेकर चला, अपने मन में सोचता है सजनों कि इस गर्भवती को लेकर जाऊंगा तो के कहेंगे लंका वाले कि कैसा किसका पाप उठा के ले आया। रावण में ये खूबी थी, जब वो दाढ़ मार के हंसा करता था तो औरतों के गर्भ गिर जाया करते थे। सजनों जब पंचवटी से चला और कहां पहुंच गया, किष्किंधा पर्वत पे, जहां बाली और सुग्रीव का राज था। किष्किंधा पर्वत पे जाके रावण जोर के हंसा, उसके हंसने से मंदोदरी का गर्भ गिर जाता है किष्किंधा पर्वत पे, और वो बाली को मिल जाता है सजनों, एक लड़का जिसको तारा ने पाला था, जो अंगद बना अंगद, और अंगद आखिर में मंदोदरी के कहने तो मरा नहीं तो मरता नहीं। सुनिए क्या लिखा, ये उस लड़की का नाम है बता, एरा अपने मन ते प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया। हुई सवासन पड़ी जरूरत, पति मोहते ना ब्याह करे वाया। हुई सवासन पड़ी जरूरत, पति मोहते ना ब्याह करे वाया। एरा उस लड़की का नाम है बता, बोले उस लड़की का नाम है बता, जन एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागेगी, पुत्र का सर तरे वाया। पति की सेवा करने लागेगी, पुत्र का सर तरे वाया। एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, उसका कारज सिद्ध हो गया। एक मिंडकी ने प्राण त्याग दिए, उसका कारज सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फस मुंह में रावण मद हो गया। मंदोदरी रूप में जन्म लिया, फसे रावण मद हो गया। हुआ जबरन ठाई दहाड़ लगाई, जबरन ठाई दहाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी कटिया, शीश पुत्र का वध हो गया। रण क्षेत्र में नाटी थी कटिया, शीश पुत्र का वध हो गया। ओ श्री लखे मी चंद ने समझा बोल रहे हो गुरु जी।